Theorem 6.8 Pythagoras theorem. In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Always remember that कि जब भी हमारी Pythagoras theorem start होगी, right angle triangle से start होगी. So you are going to make a right angle triangle. The only tip. नॉर्मली आप ऐसे बनाते हैं, बट यहाँ पे हम ऐसे लेंगे एंड एंगल बी इज़ माई 90 degree एंड देन देर वुड बी अ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम बी पॉइंट एंड वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर. सो वेन एवर यू आर गेटिंग थ्योरम इन द पेपर टू प्रूव, यू हैव टू ऑलवेज मैंशन गिवन टू प्रूव एंड देन कंस्ट्रक्शन. एज आई हैव मैंशन ए बी सी, एंगल बी इज़ 90 degree एंड देन ए सी 90 डिग्री के अपोजिट में ही वी ऑल नो इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड एंड लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. दिस इज माय हाइपोटेन्यूज. देन वी हैव टू ड्रॉ कंस्ट्रक्शन हियर. इन कंस्ट्रक्शन वी विल ड्रॉ बी डी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पे. ओके, नाउ राइट डाउन प्रूफ. इन प्रूफ फर्स्ट वी विल राइट prove similarity between two triangles, one with the smaller one and then the bigger one. So I will write down in triangle ADB and ABC. तो आप equal parts देखेंगे इसमें. Equal में देखिए आपका ये वाला angle common है. So I will write down angle A equals to angle A common and then we can write down angle B. आपका बड़े वाले triangle में angle B is 90 और छोटे triangle में ADB पे आपका 90 degree बन रहा है. Then I will write down ADB equals to 90 degree. You can write down by construction we have done. एक 90 degree दे रखा था, दूसरा हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली बाय कंस्ट्रक्शन. नाउ आप सिमिलैरिटी कैसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है. अगर यहाँ ए है और यहाँ ए है तो आप ट्राइंगल बीच में सिमिलर का साइन, देन ट्राइंगल देन ए. यहाँ भी आप ए लिखिए क्योंकि दोनों इक्वल थे. छोटे ट्राइंगल में छोटा मीन्स ए डी बी स्मॉलर ट्राइंगल है, वहाँ पे डी पॉइंट पे 90 degree बन रहा था, तो आप यहाँ डी लिख दीजिए. बड़े वाले ट्राइंगल में बिगर ट्राइंगल में बी पे 90 था, तो आप यहाँ बी लिख दीजिए. हेयर आई एम कंसीडरिंग स्मॉलर ट्राइंगल, ए डी हो गया, ऑब्वियसली यू आर लेफ्ट विथ बी अल्फाबेट. और ए बी के बाद बिगर ट्राइंगल में आपका सी. And then write down similarity by angle. Sides proportion में लिखने का method यही है कि first two alphabets, then last two alphabets upon में आएंगे and then first and last. Now I can write down AD upon AB and then DB upon BC equals to AB अपॉन ए सी. आपको देख के ही पता चल रहा है कि फर्स्ट और लास्ट रेशियो अगर हम कंसीडर करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ए बी स्क्वायर आ रहा है. व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग देन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी. मार्क दिस एज ए फर्स्ट. And then, in a similar way, you can prove similarity between triangle BDC and ABC. तो हम लिख सकते हैं in triangle BDC and ABC. Same reason, आपका angle C common है. I will write down angle C equals to angle C common. And then angle B equals to angle छोटे ट्राइंगल में डी पे 90 है हमारा, तो बी डी सी 90 degree बाय कंस्ट्रक्शन.
बाय कंस्ट्रक्शन एंड सेम वे से ही आपको सिमिलैरिटी लिखना है. यहाँ पे ट्राइंगल साइन सी, यहाँ पे ट्राइंगल साइन सी क्योंकि सी एंगल कॉमन था. छोटे ट्राइंगल में डी पे 90 डिग्री बना है एंड इन अ बिगर ट्राइंगल बी पे 90 है, तो यहाँ आप बी लिखोगे बीच में सिमिलैरिटी का साइन. देन इन अ स्मॉलर ट्राइंगल यू आर लेफ्ट विद बी अल्फाबेट, क्योंकि आपने सी और डी लिख दिए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ बी लिखेंगे. एंड हेयर यू आर लेफ्ट विद ए बाई ए ए, सिमिलैरिटी आपने प्रूव कर दी. और फिर वही आपको प्रोपोर्शन में फर्स्ट टू अल्फाबेट्स, लास्ट टू अल्फाबेट्स. अगर पेपर में आपने सिमिलैरिटी ठीक नहीं लिखी तो यू वॉन्ट बी गेटिंग योर आंसर. सो आई कैन राइट डाउन सी डी अपॉन सी बी इक्वल्स टू डी बी अपॉन बी ए equals to CB upon CA. Again we will multiply first and last. CD upon CB, CB upon CA cross multiply, CA CB square equals to CD into CA. Mark this as a second and then write down add first and second. When you are adding first and second, आपका left का left में add होगा AB square plus CB square और right का right में AD into AC plus CD into CA. आपका सी ए और ए सी कॉमन आ रहा है, टेक आउट कॉमन ए सी एंड देन यू आर लेफ्ट विथ ए डी प्लस सी डी. और देखिए आपका ए डी और सी डी ऐड करके ए सी ही आ रहा है एंड ए सी इंटू ए सी इज योर ए सी स्क्वायर. सो यू कैन राइट डाउन ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ए सी इंटू ए सी एंड देन फाइनल यू कैन राइट डाउन ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर ए सी इंटू ए सी, यू आर गेटिंग ए सी स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव. चेक, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर. After multiplying AC into AC, you are getting AC squared.